एक सुंदर दिन एक छोटे से गांव के बच्चों ने सोचा कि वे अपने स्कूल की छुट्टियों में चिड़ियाघर जाएंगे। इस तरह से वे जिराफों, हाथियों और बड़े बड़े पक्षियों को देखेंगे। बच्चों का यह आनंददायक अनुभव और जिराफ के एक विशेष नृत्य ने उन्हें सबसे अच्छा लगा। जब वे चिड़ियाघर पहुँचे, वहाँ जिराफों का एक नृत्य था जो बच्चों को बहुत ही प्रभावित कर रहा था। जिराफे अपनी ऊंचाई का लाभ उठाकर अद्वितीयता में नृत्य कर रहे थे। वे अपने लंबे गर्दन को हिला हिला कर बार बार एक दूसरे के साथ मिलकर नृत्य कर रहे थे। बच्चों ने नृत्य करते हुए जिराफों से कहा, तुम्हारा नृत्य बहुत ही प्यारा है, हम भी सीखना चाहते हैं। जिराफ ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल सीख सकते हो, हम यहाँ सब मिलकर एक खुशी भरा समय बिता रहे हैं। इसके बाद जिराफ ने बच्चों को नृत्य के कुछ आसान स्टेप सिखाए। बच्चे धीरे धीरे नृत्य करने लगे और देखते ही देखते वे भी अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे थे। चिड़ियाघर के अन्य दर्शकों ने इसे देखा और उन्हें भी अपने बच्चों के साथ नृत्य करने का मन हुआ। इस प्रकार जिराफों का नृत्य चिड़ियाघर में एक प्यारा और शिक्षाप्रद अनुभव। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ऊंचाइयों का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों को भी साथ में लेना चाहिए। जिराफ ने बच्चों को सिखाया कि सच्ची खुशी से भाग्यशाली बन सकते हैं और हमें अपनी कला और खुशी को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। इस प्रकार चिड़ियाघर का एक छोटा सा नृत्य बच्चों को न केवल मनोरंजन प्रदान करता है, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सीख भी देता है।